हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम जा रहे हैं वृंदावन। एंड एक्चुअली लास्ट 6 मंथ से प्लानिंग चल रही थी जाने की, लेकिन वो बोलते हैं ना, जब तक भगवान नहीं जाते तब तक आपको दर्शन नहीं देंगे। एंड जब प्लान बना तो पहुंच गए दर्शन करने के लिए। सो क्या कुछ खास था, एंड एकादशी का दिन था, काफ़ी रश था। एंड खाने में क्या क्या खाया, वहाँ का फेमस फूड। सो चलिए स्टार्ट करते हैं व्लॉग। अर्ली मॉर्निंग हम 5 AM घर से निकल गए थे। बच्चों को ले जाने का प्लान नहीं था क्योंकि एकादशी थी, काफ़ी रश मिलने वाला था। लेकिन जब मैं उठी तो मेरे साथ रियांश भी उठ गया, तो उसे ले जाना पड़ा। एंड जाते ही सबसे पहले तो मैं सो गई, उसके बाद करीब 7 बजे के आसपास उठी। सनराइज़ हो रहा था, बहुत ही खूबसूरत व्यू होता है जब सनराइज़ होता है। एंड कितनी अच्छी बात होती है ना, जो सूरज होते हैं मीन्स हर तरफ सेम धूप, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, काला हो या गोरा हो, किसी भी जगह रहता हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी किरणें सबके लिए सेम रखते हैं। सो यही अच्छी बात होती है नेचर की। एंड इसके बाद फिर हम पहुंच गए थे करीब 8 बजे के आसपास। 3 घंटे लगे हमें पहुंचने में। एंड जब पहुंचने वाले थे तो मैंने कहा चलो मेकअप स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 15-20 मिनट्स से लगेंगे। तो मैं मॉइस्चराइज़र घर से लगा के आई थी। एंड देन इसके बाद मैंने प्राइमर अप्लाई करा। पहले मैंने मेकअप नहीं करा, फिर मैंने कहा यार क्यों नहीं करना, मीन्स जिस चीज़ से तुम इतना प्यार करते हो उसको क्यों छोड़ना, सो करना है मेकअप। तो स्टार्टिंग में मैंने प्राइमर लगाया, एंड देन इसके बाद ब्लश एंड देन फाउंडेशन। एक्चुअली जिस चीज़ के तुम यूज्ड होते हो ना, तो बहुत जल्दी वो चीज़ हो जाती है। जैसे कि मेकअप करने की मैं यूज्ड हूँ, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ पर हो एंड किस पोजीशन में हो। वो कहते हैं ना, जब अगर नींद आती है तो इंसान पत्थरों पर भी सो जाता है। एंड सेम हेयर, मुझे मेकअप करना होता है तो मैं कहीं पे भी कर लेती हूँ, आई डोंट केयर। सो इसके बाद फिर मैंने वाइट कलर की, मेरा आउटफिट था तो मैंने आई शेडो वाइट अप्लाई करा, मीन्स सिल्वर टच था इसके अंदर। देन काजल अप्लाई करने के बाद मस्कारा। लाइनर का मैं रिस्क नहीं ले सकती थी क्योंकि अगर हल्का सा भी बिगड़ गया तो मेकअप सारा ख़राब। एंड इसके बाद मैंने लिपस्टिक अप्लाई करी। बुलेट लिपस्टिक थी तो साइड में कॉर्नर में अच्छी तरह नहीं गई, तो मैं ब्रश की हेल्प से उसे अच्छी तरीके से लगाती हूँ। एंड इसके बाद कॉम्पैक्ट की हेल्प से मैंने फिर मेकअप सेट किया, क्योंकि थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। एक्चुअली विंटर सीज़न था तो इतना इशू नहीं था कि स्वेटिंग वगैरह होगी सो इससे मेकअप बिगड़े। एंड देन इसके बाद फिर मैंने लास्ट में अप्लाई करी बिंदी। सो मेकअप तो हमारा हो गया डन। इसके बाद कार थोड़ी देर के लिए रुकी थी, तो मैंने कहा चलो आईलाइनर भी लगा ही लेते हैं। एंड एकादशी थी तो हेयर वॉश करना अलाउ नहीं होता, सो हेयर स्टाइल में मैंने ओपन हेयर्स नहीं करे फिर, क्योंकि चिपकू हो रहे थे। एंड इसके बाद फिर हम वृंदावन पहुंच गए। एंड इसके बाद फिर हमने पार्किंग ढूंढना स्टार्ट करा। पार्किंग ढूंढने में ही हमारा हाफ एन आवर वेस्ट हो गया। देन इसके बाद फिर हम जल्दी जल्दी भागे, जाके देखते हैं कि जहाँ एंट्री स्टार्ट होती है वहाँ से लाइन लगना स्टार्ट हुई है मंदिर तक। एक्चुअली मॉर्निंग में जो मंदिर होता है थोड़ा लेट ओपन होता है, फिर उसके बाद आरती वगैरह होती है, तो जिस टाइम आरती होती है उस टाइम मंदिर में जितने लोगों ने एंट्री कर ली, उसके बाद फिर बाकी को एंट्री नहीं मिलती है, तो लंबी लाइन लग गई। इसके बाद फिर हमने कहा क्या करें, चलो एकादशी है तो तुलसी की माला खरीद लेते हैं। तुलसी की माला थी, गुलाबों की थी, और ये वैजयंती माला बोलते हैं इसको, जो ये पिंक कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स हैं। एंड हमने 3 माला ली थी, 100-100 रुपये ईच मिल गई थी। एंड इसके बाद फिर धीरे धीरे लाइन, धीरे धीरे क्या, बहुत ही धीरे लाइन चली थी, मीन्स आधे घंटे तक तो हम ऐसे ही खड़े रहे। उसके बाद फिर जब मंदिर में आरती हो गई, तो फिर उसके बाद लाइन इतनी नहीं थी, ईजिली हम जा रहे थे। लेकिन जैसे ही मंदिर के अंदर हमने एंट्री करी, बहुत सारा क्राउड था, मतलब कोई लाइन वाइन नहीं थी। एंड रियांश को तो
भाई ने बैठा लिया ऊपर, कंधों पे बैठा लिया। मॉर्निंग में मैं सो बाकी बिहारी जी हैं एंड मीन्स आप अगर एक बार दर्शन करो तो मन करता है चलो बार बार कर लो। तो मैंने काफ़ी टाइम करे, मीन्स 4-5 बार मैंने करे थे, एक बार कर लिए फिर चलो चलते हैं, फिर दोबारा मन करा करने के लिए, मैंने कहा फिर पता नहीं कब आया जाए। सो ऐसे करके मैंने 4-5 बार दर्शन किए थे, उसके बाद फिर हम वापस आए क्योंकि ब्रेकफास्ट नहीं करा था मॉर्निंग में दर्शन करने से पहले। सो टाइमिंग 10:30 बजे का टाइम था। एंड अगर आप वृंदावन गए और आपने आलू कचौड़ी पूरी सब्जी जलेबी एंड लस्सी नहीं खाई तो आपका जाना बेकार। वहाँ की आलू टिक्की भी अच्छी है एंड मटर वाली आलू टिक्की मिलती है जो कि कम जगहों पे मिलती है। एंड इसके पेट पूजा करने के बाद फिर हम गए अपनी गाड़ी के पास पार्किंग में एंड इसके बाद फिर दोबारा से हमने पार्किंग ढूंढनी स्टार्ट करी, फिर दोबारा हमारा से 1 घंटा वेस्ट हुआ। इसके बाद गए हम जन्मभूमि, जन्मभूमि में कृष्ण जन्मभूमि में जाने के बाद इसके बाद हमारा फ़ोन हो गया सबमिट क्योंकि फ़ोन अलाउ नहीं होता ले जाना। एंड देन दर्शन करने के बाद फिर हम घर आ गए वापस क्योंकि 12 बज गए थे एंड 12 बजे के बाद मोस्टली बंदे मंदिर जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं। फिर इसके बाद हम इस बार आए थे यमुना एक्सप्रेस वे से। सो खाने का तो कुछ मन नहीं था, मॉर्निंग में ही लेट ब्रेकफास्ट किया था तो चलो हल्का फुल्का कुछ ड्रिंक वगैरह एंड आइसक्रीम वगैरह ले ली। एंड ये जो यमुना एक्सप्रेस वे है ये टच करता है मेरे गांव को, इसके ऊपर से जो जाते हैं जो दिख रहा है ना, अगर नेक्स्ट टाइम जाना हुआ गाँव तो मैं ब्लॉग बनाऊँगी। एंड मीन्स काफ़ी सारी यादें जुड़ी होती हैं। ऑब्वियस है अपने लेफ्ट साइड आपको ATS के फ्लैट्स मिलेंगे एंड राइट साइड आपको गौर सिटी मिलेगी। ये हल्का सा जो व्यू है ये गौर सिटी का है। देन इसके बाद फिर हम आगे अपने घर मीन्स मोलरवन एंड इसके बाद पापा मम्मी को ड्रॉप किया एंड भाई छोड़ने गया मुझे मेरे घर एंड रियांश का स्टार। So I hope you enjoy this vlog. Bye bye. Take care.